Welcome back everyone, back to my vlog. So कैसे है सब, मैं आगे के वीडियोस का प्लानिंग कर रहा था और मैं मेरे डायरी में जॉट डाउन कर रहा था पॉइंट्स, लेकिन ये डायरी बहुत प्लेन लग रहा है तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा बदलूं। तो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। तो फर्स्टली मैं इसको सैंड करूँगा सैंड पेपर से ताकि मैं इस पर पेंट कर सकूँ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सैंड पेपर, ये सैंड पेपर काफ़ी पुराना हो चुका है, देख सकते हैं इसका हालत। मैं एक छोटा सा पीस लूँगा, इसके कवर को ये एरिया में पेंट करने वाला हूं, तो मैं इसको स्लाइटली सैंड करूंगा। ये जो ब्रांड है ये भी मैं निकाल दूंगा, मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड है। ऐसा कुछ करते हो तो आपको हमेशा ही डर लगेगा, बट रिमेम्बर कुछ भी आप क्रिएट करते हो ये याद रखना, देयर इज नो क्रिएशन विदाउट डिस्ट्रक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पे पेंटिंग या आपका आर्ट वर्क ऑफ ट्रैक जाता है जब आप शुरुआत करता हो, लेकिन पेशेंस रखो और कीप वर्किंग ऑन इट, थिंग्स विल चेंज इन द एंड। तो यहाँ पे मैंने अभी सैंडिंग कंप्लीट कर दिया है, अब मैं इस पे पेंट करूंगा एक्रेलिक पेंट से। एक्रेलिक पेंट वाटर मीडियम है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे मुंबई से कुछ रिलेटेड मुंबई सिटीस्केप बनाऊँ, ताकि मुंबई मेरे ज़िंदगी के बहुत पास है, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का लाइफ पसंद है, मेनली यहाँ का सिटी, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत पसंद है। तो मैं अभी इसको फिर से थोड़ा सैंड कर रहा हूँ ताकि जो मैंने पेंटिंग किया है लेदर या रेजिन जो भी मटेरियल है इसका भी थोड़ा टेक्सचर मेंटेन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स मैंने फाइनली यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट कर दिया है, अब देख सकते हैं ये पेंटिंग मैंने मुंबई के एक स्ट्रीट लेन के रेफरेंस लेके, एक मार्केट सीन जैसे, एवरीडे स्ट्रीट जैसे एक फोटो का रेफरेंस लेके ये पेंट किया है। मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया हूँ, मैं आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। So that's it for today guys, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, keep making art and do subscribe to my channel and bye, I'm so tired यार।